नहीं था मेरी मैं और रोक के दिखा मैं बजा रहा हूँ अभी ये बजा रहा हूँ रोक ले तेरे लिए गलत के समझो मैं भाइयों 1:46 हो गए हैं यहाँ से हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया है ये अंबर का ढाबा फरीदाबाद बीपीटीपी चौक। अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से हम केएमपी की तरफ जा रहे हैं, केएमपी से मानेसर जाएंगे, मानेसर के बाद जयपुर हाईवे आ जाएगा, वहाँ से आगे का सफर देखते हैं। चलो पहली लिफ्ट की तैयारी कर ली है, अभी तक तो किसी ने रोका नहीं है हमको। यहाँ पे लगभग 5 या 6 मिनट हो गए। गन्ने भाई मोनार्क भाई ने ट्रक में से निकाल दिए और पीछे देखो ट्रक में थोड़ा। अब आ गए हैं भाई हम केएमपी पे। हमने कम से कम इस 25-30 किलोमीटर के सफर में 20 से 25 लिफ्ट ली है। कोई 200 मीटर की मिलती है, कोई 500 मीटर की मिलती है। हालत खराब हो चुकी है पर मजा भी आने लगा। 3:20 हो गई है अभी हम केएमपी पे छाईसे मोड़ पे। अभी देखते हैं यहाँ से लिफ्ट के लिए कितनी देर में हमको लिफ्ट मिलती है और कितनी लंबी लिफ्ट मिलती है। पहला टाइम खाली रोड है बिल्कुल। चार बज के 50 मिनट हो गए हैं और हम केएमपी पूरा कर लिया हमने। आप पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इनको, टोल पे है नहीं है टोल पे। डेढ़ घंटे में पूरा केएमपी खत्म कर दिया हमने 4:50। यार इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा है ऐसी, तेरे से 65 रुपया मेरे लिए। मैं और रोक के दिखा मैं बजा रहा हूँ अभी ये बजा रहा हूँ रोक ले तेरे लिए गलत के समझो मैं। अभी तो पर्चे पैसे दिया दिया 10 घंटा हुए ने अभी अभी तो कटवाइए पैसे दिया है।
तो भाई अब हम नीमराना पहुंच चुके हैं, लगभग 7 बज गए हैं। वहाँ से हमारा सफ़र अभी 150 किलोमीटर का हो चुका है और 150 किलोमीटर का ही रह रहा है, लगभग ये हम आधे पे हैं। और अभी हमको यहाँ पे दो भाइयों ने छोड़ा है, एक का नाम अनिल था, एक का नाम संदीप। अब ये लगभग यहाँ से जो ये ट्रक वगैरह खड़े हैं इनसे देखेंगे सीधे जयपुर जाएंगे। अब रास्ते में हमको लगे हैं 5 या 6 घंटे, आधा सफ़र तय करने में लगभग हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी हिचहाइकिंग वगैरह बिना गाड़ी के, जैसे आजकल नॉर्मल था गाड़ियों के बिना चलना बिल्कुल बंद था, तो हमने पहली ट्रिप प्लान की है हिचहाइकिंग जो बिना गाड़ी के वगैरह थी। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस हुई हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी रहा है, काफ़ी बेकार भी, दोनों चीज़ें हुई हैं, अच्छा भी हुआ है बेकार भी हुआ है। थोड़ा बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ा है, बहुत वेट भी करना पड़ा है, बट कुछ अच्छे भाई वगैरह भी मिले जिन्होंने लिफ्ट दिए। भाई मनीष भैया से पूछना भैया कहाँ चल जाओगे? भैया कहाँ जा रहे हो? बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाना है। आपको ये नहीं पता आप कहाँ पे जा रहे हो? उसका नाम नहीं पता मुझे, मैं पार्टी वाले संपर्क करूंगा जब जयपुर से थोड़ा पहले पहुंचूंगा तब। जयपुर से कितना पहले? लगभग 50-60 के लिए पहले। तो हमको लिफ्ट दे सकते हो? ना भाई। क्यों? परदेसी हूँ बाहर में। तो भाई हम कोई आपको मार तो नहीं रहे हैं। तो बता आपके माथे पे लिख रखा है, तो आप ऐसा आप पीछे बैठ जाना अकेले, हम चला लेंगे ट्रक वरक। तो क्या देख लो भाई, 50 गाड़ी भाई साहब यार। क्या भाई? बहुत गाड़ी है, किसी पे नहीं बैठा ना भाई यार। तो मैंने लगा 6 गाड़ी वाली होती। तो मतलब आप कितने बंदों को ले जा सकते हो? जैसे दो दो करके जाने लगे आप ले जाओगे? मैं सिर्फ भी एक बंदे को दो तो ले जाओगे, दो हम साथ आ जाएंगे, दो आप ले जाओगे। वैसे इन भाई को ये भी नहीं बताया कहाँ पे जा रहे हैं, बताना भाई कहाँ पे जा रहे हो आप? फिर मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ यार ये तो पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो। हमें भी आप छोड़ो पाकिस्तान बॉर्डर पे, फिर मैं नया बंदा हूँ भाई। तभी तो हम कह रहे हैं आप नए बंदे हो, आप पीछे बैठ जाओ, हम चला लेंगे। नया बंदा कोई नहीं बंदा। देख लो भैया आप पे सर्विस पड़ेगी रात में, रात में पड़ जाएगी सर। भाई कहाँ तक जाओगे? ये लाइट चल रही है, लाइट कहाँ तक जाओगे? क्या जयपुर जाओगे? जयपुर क्या भाई? मतलब नहीं ले जाओगे? ये भाई जयपुर नहीं जा रहे हैं, चलो और देखते हैं। भैया हमें चाह रहे हैं लिफ्ट वगैरह दे सकते हो? अरे हमारे कोई भरोसा ना, गाड़ी गाड़ी जाम लगा। भाई लगभग हमको यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका है, बट हमें कोई ट्रक लिफ्ट नहीं दे रहा। रात में वो भी डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। भाई लगभग 8 बज चुके हैं और अभी तक हमें लिफ्ट नहीं मिली, हमें यहाँ पे 1.5 या 2 घंटे हो चुके हैं। हम नीमराना में, जयपुर हमसे 150 किलोमीटर ही दूर है। ये हमारा लिफ्ट लेने का यंत्र, अरे रोक लो।
गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज बाबा अतुल। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं 80% हिंदुस्तान घूम चुका हूं, और वो भी विदाउट मनी और विदाउट मोबाइल के। और ऐसे ही मुझे 3-4 यहां पर भावी नौजवान मिले जो शाजापुर बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। आप शेयर करेंगे, आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से शेयर करने की उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार जागीर नाम है भाई साहब, राजस्थानी होटल का ओनर हूँ भाई साहब मैं। राकेश जी ने हमारी बहुत हेल्प की है यहाँ पे, हम भाई साहब बिल्कुल और जैसी चाहो उस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा भाई हो आप, ये महेंद्र सिंह का नाम है, ये हमारे मैनेजर हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे और हमारे चैनल आपका चैनल की हम खुद हेल्प करेंगे। भाइयों 10:10 होने वाले हैं लगभग, और हमें यहाँ पे 3-4 हो गए हैं, हमें ना लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रही है, और ये एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे जा रहा है। ऐसा कुछ हमने इमेजिन भी नहीं किया था, हमें 4 एक लिफ्ट के लिए हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है और इरिटेट भी होने लगे हैं, ठंड सर्दी भी है यहाँ पे थोड़ी, और यहाँ पे होटल वगैरह भी नहीं है बहुत दूर तक कहीं रुकने के लिए, और हमारे प्लान में भी नहीं है अभी ऐसा कहीं रुकना, हम जयपुर ही रुकेंगे। भाई टाइम देख लो, 12:13 हो चुकी है, हमको यहाँ पे 6 हो गए हैं, अभी तक ना कोई लिफ्ट मिली है ना कोई मिलने की उम्मीद है रात में, तो हम इससे अच्छा देख रहे हैं और थोड़ी मेहनत कर लें। 12:13 6 हो चुके हैं हमको यहाँ पे।